क्रियाओं को बैंक दोस्तों जेल नहीं बैंक ना, बहुत ज्यादा जेल बैंक नवा सियासा केस है, जेल नहीं जाएंगे, नौकरी चली जाएंगे भी, है ना। एक लेटर लिख के भेज दिया ना कि कानून के उसमें बाधा कर रहे हैं, नौकरी चली जाएगी, घर बैठ जाएंगे आके। कि एक खुलेआम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिवसहाय अवस्थी एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि एक लिख के दे देंगे लेटर, तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, घर बैठ जाओगे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। अब इससे बड़ा और क्या बताओ, एक अपने भाई के लिए उसकी हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है, उसके लिए अगर मैं आवाज़ उठाऊँ, अगर मैं सरकारी नौकर हूँ, उसके लिए बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। जेल नहीं बैंक ना, बहुत ज्यादा जेल बैंक नवा सियासा केस है, जेल नहीं जाएंगे, नौकरी चली जाएगी भी, है ना। एक लेटर लिख के भेज दिया ना कि कानून के उसमें बाधा कर रहे हैं, नौकरी चली जाएगी, घर बैठ जाएंगे आके। आप देखो, हम ये बता दें कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है आपका उसके? उसके बारे में कहना क्या है, अब तो खुलेआम देख रहे, पूरा पब्लिक देख रही, पूरा देश देख रहा है, वो पूरा ही देश की सरकार देख रही है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा इस वीडियो को। कि एक खुलेआम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिवसहाय अवस्थी एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि एक लिख के दे देंगे लेटर, तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, घर बैठ जाओगे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। अब इससे बड़ा और क्या बताओ, एक अपने भाई के लिए उसकी हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है, उसके लिए अगर मैं आवाज़ उठाऊँ, अगर मैं सरकारी नौकर हूँ, उसके लिए बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। ये तो तक और तो और तो मारने तक की धमकी दे रहे हैं लोग, तो गुप्त रूप से मारने तक की धमकी दे रहे हैं, इसको ख़त्म कर दो, हमका हमारा तो निकलना घर से मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे हमारे तो इतना शोक हो गया है घर में, अभी दादी जी ने हमारे प्राण त्याग दिए हैं। क्या बात हुई थी नौकरी खाने की बात? वो बॉडी रिसीव करने के लिए बोल रहे थे, तो हमने कहा ठीक है बॉडी रिसीव कर लेंगे हम तो, लेकिन हमारा एक लेटर लिख लीजिए, जो हमारा प्राथमिकी है, जो हमारा FIR है, वो दर्ज करने के, अब दर्ज करोगे नहीं करोगे, विवेचना में शामिल करोगे तो हमारा ले लीजिए। उन्होंने लिया लेकिन फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो मैंने बोला कि इसमें सर साइन कर दिए, रिसीव कर लीजिए इसको, तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि हमने आपको एक पत्र दिया था। उसके वजह से उन्होंने ना तो रिसीव किया और ना ही उसके एक्शन किया कुछ, और हमको उल्टा डांट रहे हैं, मतलब धमकी दे रहे हैं, एकदम खुली धमकी दे रहे हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट में कितना सरकार कितना वो है कि एक खुले धमकी, खुला गुंडा राज चला रही है, इस पब्लिक को मारो काटो, आवाज़ उठाती है उसको धमका दो। इस मामले की जांच तो DM ही कर रहे हैं, तो वो ADM जांच कर रहे हैं। अब बताओ मेरे को क्या न्याय मिलेगा, जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमको धमकी दे रहा है, जिसका भाई मरा है वो अपने न्याय के लिए खड़ा है यहाँ पे, उसको धमकी दे रहे हैं कि तो उसको उठा लेंगे, दो लाइन लिख के देंगे, एक लेटर लिख के देंगे, नौकरी चली जाएगी, घर बैठ जाओगे, ये क्या है? सरकारी काम में बाधा पैदा, सरकारी काम में कौन सा सरकारी काम था बताइए? हम अपने भाई के लिए मैं न्याय मांग रहा हूँ, बोले सरकारी काम में बाधा पैदा कर रहे हो, कौन सी बाधा पैदा की मैंने? घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई केस दर्ज नहीं कर रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही है हमको परिवार को। अब बताइए कितना घोटाला है, कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं लोग, सरकार के साथ, पब्लिक के साथ, धर्म के साथ, हर चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, तो हर चीज़ को उन्होंने मार दिया है। हमारा तो हिंदू होने का कोई नहीं रहा, अस्तित्व ही नहीं रहा, आप तो बताइए। तो हमारी डेड बॉडी को कम से कम विधि विधान से तो जलाते ना, बुलाया हमको, धमकी दे दी, हम लोग भाग गए, फिर बोले हम अलाउंस करा रहे हैं इसको, क्या करा रहे हैं, अब कोई रिलेशन का हो, क्या सुना, क्या किया उसने, कुछ नहीं, ना टाइम है उसमें, लेटर चिपका के गए हमारे गेट में, सुबह आके 4 बजे मैं देख रहा हूँ उसको कि पद कुछ चिपका है, देख रहे हैं तुम्हारा डेड बॉडी जला दिया उन्होंने, तो 1 घंटे में हम बताइए 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर पहुँच सकते हैं क्या? किससे पहुँच, जब हमको धमका दिया, हम रास्ते में उड़ा ले उठा के मार दें, क्या कर दें ये लोग, क्या भरोसा? जो हमारे भाई को मार दिया तो मैं कितना सुरक्षित हूँ इसके, यहाँ की पुलिस से बताइए, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, एक सैनिक खड़ा होके इंसाफ मांग रहा, न्याय मांग रहा है, क्या नहीं बोला मैंने बताइए? मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको बोला मैं, राष्ट्रपति जी तक को बोल दिया है मैंने कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मेरा परिवार इच्छा मृत्यु की मांग करेगा, लेकिन कोई चेत ही नहीं रहा है, वो जान रहे हैं किसी को मरवा दो, जी आवाज़ उठा रहा है इसको ही मार देते हैं, इसका ही मर्डर कर देते हैं, कर देगी सरकार। और मैं बाय द वे छुट्टी में होता उस दिन, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता इस पब्लिक के सामने, इस देश के सामने नहीं होता मैं, मेरे को मेरा भी एनकाउंटर कर देते, वो क्या दिखाते हो तो देख ही रहे हैं आप लोग, इतना लाचार हूँ मैं आज, देश की सेवा करने के बावजूद, वर्दी पहनने के बावजूद मेरे को एक न्याय नहीं मिल रहा है, कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी भी न्याय नहीं मिलेगा हमको।